नमस्कार दोस्तों, किरण माहेश्वरी के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इडली बनाना बताऊंगी, दो सीक्रेट चीज बताऊंगी जिससे आप बिल्कुल सॉफ्ट और दानेदार इडली बना पाएंगे। इडली बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है मैं आपको बताती हूँ। चावल, उड़द का मोगर, आप चावल पक्के वाले यूज में लें, बासमती चावल बिल्कुल भी यूज में ना लें। इसमें सबसे पहले आप चावल और उड़द के मोगर को 2 से 3 बार साफ पानी से धो लें और इनको भिगोकर 8 से 10 घंटे के लिए रखें। मैंने 1 किलो चावल और 300 ग्राम उड़द का मोगर लिया है। मैंने चावल और उड़द के मोगर को 8 से 10 घंटे के लिए भिगोया था। देखिए पूरे फूल चुके हैं, आप इसका पूरा पानी निकाल दें। मैंने चावल और दाल का पूरा पानी निकाल लिया, देखिए फ्रेंड्स अच्छे से फूल चुके हैं ये। आप मिक्सी का जार लें और इसमें ये डालें चावल और दाल, आप थोड़ा थोड़ा डालते जाएं इसमें। और इसमें थोड़ा पानी डालें और इसे पीस लें। इसमें हल्का दाना रहना चाहिए, सूजी की तरह आप इसको पीस लें एक बार के लिए। देखिए फ्रेंड्स मैंने इसे पीसा है, आप देखिए हल्का सा दाना रहना चाहिए। अब अंगुली और अंगूठे के बीच में इसे मसल के देखें, हल्का सा दाना रहना चाहिए इसमें, एकदम बारीक ना पीसें। और इसे बड़े भगोने में निकाल लें। इसी प्रकार आप सारा पीस कर रेडी कर लें। देखिए फ्रेंड्स मैंने इसे पीस कर रेडी कर लिया है, बिल्कुल दानेदार पीसकर रेडी हुआ है। अब मैं आपको इसमें एक सीक्रेट चीज बताती हूँ डालने के लिए। आपको या तो आप परमल ले लें या फिर पोहा ले लें, दोनों में से एक कोई भी चीज ले लें। सिर्फ आधा कप लेना है, ज्यादा ना लें इसे। इसे 10 मिनट के लिए पानी में भिगो दें। मैंने 10 मिनट के लिए पोहा को पानी में भिगो कर रख दिया था, ये भीग चुके हैं। आप इसे भी बिल्कुल बारीक पीस लें, बिल्कुल बारीक पीसे इसे आप। मैंने पोहों को भी पीस कर रेडी कर लिया, देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल बारीक पीसे इसे आप। और इसे भी इस गोल में मिला दें। इससे इडली सुपर सॉफ्ट बनकर रेडी होगी। और इसे भी इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लें और इसे ओवर नाइट के लिए आप रख दें ढक के। देखिए फ्रेंड्स गोल भी उगट कर रेडी हो चुका है, ये बिल्कुल डबल हो चुका है। मैंने इसे ओवरनाइट के लिए रखा था। इसे आप एक बार अच्छे से मिक्स कर लें। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें आप चुटकी भर मीठा सोडा डाल दें, ज्यादा बिल्कुल भी ना डालें। स्वाद के अनुसार नमक डाल दें और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। मैंने गोल को भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप इडली स्टैंड ले लें, उसमें पानी गर्म होने के लिए रख दें और सारे सांचों में आप तेल से ग्रीस कर लें और इसमें गोल को डालते जाएं। सारे में इसी प्रकार आप डाल दें। मैंने सारे सांचे में गोल भरकर रेडी कर लिया है, पानी भी गर्म हो चुका है। आप इसमें सारे सांचे को रख दें। और इस पर ढक्कन लगा दें और 15 मिनट के लिए इसे बनने दें। इडली भी बनकर रेडी हो चुके हैं, 15 मिनट हो चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स सारी इडली फूली हुई है। आप गैस को बंद कर दें और इसे ठंडा होने दें 1-2 मिनट के लिए। मैंने इडलियों को बाहर निकाल लिया है, आप इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने दें। इडली भी हल्की ठंडी हो चुकी है, देखिए फ्रेंड्स मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। बहुत ही आसानी से ये निकल आती है। देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल दानेदार इडली बनकर रेडी होती है। इसी प्रकार आप सारी निकाल लें और प्लेट में रख लें। मैंने सारी इडली को प्लेट में ले लिया है, आप एक बार इस प्रकार जरूर बनाएं। देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट और दानेदार इडली बनकर रेडी होती है। इस प्रकार आप एक बार जरूर बनाएं और अपने अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करें।